सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है बलवान और आप सभी का स्वागत है खाटू श्याम धाम चुलकाना। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेन मुख्य प्रवेश द्वार है खाटू श्याम मंदिर का, चुलकाना धाम का। देखिए कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है और यहाँ पर चल रही है फागुन माह की एकादशी मेले की तैयारियाँ। वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। जय खाटू श्याम, जय श्री श्याम बाबा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं फागुन माह की चल रही है मेले की तैयारियां। दिखाते हैं आपको क्या क्या तैयारियां यहां पे चली हुई हैं, कितना काम हो रहा है यहां पर। यहां पर ये लोहे की ग्रिल बनाई जा रही हैं, जिससे लाइनों की व्यवस्था करने के लिए लगाई जाएंगी, ताकि लाइनों में लगकर मंदिर तक जाए और भक्तों को दर्शन करने में कोई भी असुविधा न हो। कार्य यहाँ पर बहुत ही स्पीड से चल रहा है। ये देखिए जहाँ पर देख रहे हैं कार्य चल रहा है, ये लाउड स्पीकर लेकर जा रहा है जो मेन गेट पर लगाए जाएंगे। ये देखिए कितने लोहे के यहाँ पर पाइप हैं और कारीगर यहाँ पर पूरे जोरों से लगे हुए हैं कार्य को निपटाने के लिए, ताकि मेले में आने वाले यात्रियों से पहले काम निपटाया जा सके। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कार्य हो रहे हैं मेले को लेकर। 2 और 3 मार्च को यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मेला लगने वाला है, जिसमें बहुत से यात्री आने वाले हैं। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे। ये देखिए लाइनों की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, कितनी सारी लाइनें यहाँ पर बना दी गई है। यात्रियों को इन लाइनों से गुजरकर मंदिर तक जाना होगा। ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा पंडाल भी बना हुआ है। ये सामने ही लाइटें और बहुत से लाउड स्पीकर यहाँ पर रखे हुए हैं, जो जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मुख्य द्वार से मंदिर के प्रांगण में एक साइड में ये मंदिर तक परमानेंट ग्रिल लगाकर लाइनों की व्यवस्था कर दी गई है। देखते हैं ये कहां तक लग चुकी हैं। अभी भी यहां पर यात्री लगातार पहुंच रहे हैं। ये देखिए लोग दर्शन कर वापिस लौट रहे हैं। यात्रियों ने यहाँ पर अपनी मन्नतों के धागे बांधे हुए। ये आप सामने जो देख रहे हैं पीपल के पेड़ पर, ये देखिए यात्री झंडे और प्रसाद लेकर मंदिर में जा रहे हैं। जो आप झंडा देख पा रहे हैं वो ये है श्री श्याम बाबा का मंदिर। अभी हम धीरे धीरे मंदिर में
जाएंगे और रास्ते की जितनी व्यवस्था है, जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यात्री दर्शन करके लौट रहे हैं। 2 और 3 मार्च को यहाँ बहुत ही भारी मेला लगने वाला है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, इसीलिए ये इतना जबरदस्त इंतजाम किया जा रहा है। अब हम बिल्कुल मुख्य मंदिर के नजदीकी पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ तक ग्रिल और बल्ली का काम चल रहा है। 2 मार्च को 21,000 ध्वजा यात्रा पानीपत से श्री खाटू श्याम धाम चुलकाना पहुंचेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि ध्वजा यात्रा की वीडियो आप देख सकें। ये जो बलियों की लाइनें बनाई जा रही हैं, ये टेम्परेरी लाइनें हैं जो मेले के लिए बनाई गई हैं, उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। सभी लाइनें बनाई जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर इस समय भी बहुत अच्छी भीड़ है। ये देखिए भक्त श्रद्धालु श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अपने झंडे और प्रसाद हाथ में लेके। ये आप देख रहे हैं, एक तारीख तक मुख्य मंदिर में प्रवेश बंद है। यही बार से ही सभी मत्था टेक कर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर भी कार्य चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप भी दर्शन कर लीजिए श्री खाटू श्याम जी के चुलकाना धाम। जय हो खाटू श्याम, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा।